तेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहनशाह कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी। अंधेरी रातों में जो ये शहनशाह निकलता है, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा फरमाती हैं, ऐसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि रायविंड के घर को ये रातों रात गिराना चाहते थे, रात के अंधेरे में गिराना चाहते थे, यानी रात के अंधेरे में कागजात भी तब्दील किए गए हैं। ये है कहना मरियम औरंगजेब का। लोगों से पूछते हैं कि रात के अंधेरे में सब कुछ क्यों होता है, दिन के अंधेरे में हुकूमत क्या ताकत नहीं रखती है, ये कुछ नहीं कर सकती, क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, लोगों से पूछते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं। मेरे साथ रहिए। डड्डू ने ऐनक लाई। ओह नो, मुंह दे देखो कहीं ना चोल बंडे होंदे ने। हां जी, लग रहा मैं खंबे नाल गल कर रहा हूं। मैनू भी इंज लग रहा मैं किसी टैडी बकरे नाल गल कर रहा। तो की कर रहे हो? मैं वेल्डिंग दा काम कर रहा। ओ मरियम औरंगजेब से याद है वो डड्डू चार्जर किधर है मेरा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान भट्ट। इमरान भट्ट, शुक्र है भट्ट गए। बहुत आना हंसना मेरे से, उल्टी ना कर। नहीं नहीं, उल्टी होंगी भी नहीं मेरे को, सीधी नहीं होंगी, तुम उल्टी कर रहे हो। तुम मेरे मुंह दी ना भट्ट। मास्क लाया तुम यानी कर दो, दुकान है बिट कर दे। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक। जाहिर है हाल तो ठीक ही होंगे, इन्ने सारे पर्स सारे कड्डे ने, चोरी कर दियो पर्स? बस ऐसे तो नहीं है, सोच विचार के पाए। नहीं नहीं, जेब कट रहे हो की कर रहे हो, पर्स कितों कट लेने? जब विकने नहीं तो हाथ ही रहने। क्या कहते हैं आप मरियम औरंगजेब के बारे में? पता नहीं, उनको दिन को नजर नहीं आता मेरा हल तब कर रहे हैं वो, इसीलिए कहते हैं। वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। जिस तरह पर्स में पैसे नहीं होने चाहिए, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। कहीं ना चोल बंडे होंदे ने। बंदा अपनी बरात ही पैसे लुट रहा होंदा, भरा दे अपने घर आले ही लड़ पिया, कहिंदा मैनूं पैप्सी अज फिर नहीं मिली। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं। कौन है मरियम औरंगजेब? मरियम औरंगजेब नु जानदे नहीं? एथे आन के भेज दीजे। यार कमाल है, मरियम औरंगजेब को नहीं जानते आप? लव यू सर, लव यू सर, लव यू। ये तो जानते नहीं मरियम आपको, तो क्या पैगाम देंगे मरियम औरंगजेब को? उनको यही चाहिए कि अपने आप को ठीक करें और चीनी का रेट कम करवाएं। आपकी जरा नवाजी है, मेहरबानी है। और माड़े बंदे नु शुगर हो जांदी, तानू चीनी दी क्यों फिक्र पै गई? बस साडे घर हुंदी जो नहीं तां करके। बहुत शुक्रिया। ट्राइबिंड का घर गिराना चाहते थे और रातों रात कागजात चेंज कर दिए। क्या कहते हैं मरियम औरंगजेब के इस बयान के बारे में? ओदी घर कोई नहीं सुनता सी, कहे तो सुनी। क्या कहते हैं आप मरियम औरंगजेब के इस बयान पे? जी मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं, बड़ी मैं समझता हूँ कि एक मुल्क का सासा हैं वो। क्या बात, खासकर मुस्लिम लीग का सासा हैं। बिल्कुल अच्छा बोलती हैं, ठीक बोला है उन्होंने, ठीक बोला है कि जो पीटीआई जो है ना, वो देखें आप साहब, सारी आवाम के सामने है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। बिल्कुल सही, जब से हुकूमत में आई उन्होंने सिर्फ यही काम किया है कि ना दुआ भरावान कंध ना ला दो वो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? फारूक। फारूक सर, आपका क्या नाम है? दानिश। माशाल्लाह दानिश फारूक, दोनों भाई लग रहे हैं आप? जी जी भाई, बिल्कुल माशाल्लाह लग भी रहा है, खूबसूरत आंखें हैं। आंखें मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मास्क नीचे करें, मेरी पिक्चर्स देख लें आप। कोरोना बहुत फैला हुआ था यहाँ पे, हमारी स्किन ले से कबूतर को भी हो सकता है, किसी भी जानवर को हो सकता है, बिल्कुल सही है, कान भी हो सकता है कोरोना, बिल्कुल ठीक है। अंजी लग रहा है मैं खंबे ना गल कर रहे हैं। मैंने भी अंजी लग रहा है मैं किसी टैडी बकरे ना गल कर रहा। तो ये खबरें जो चल रही हैं आजकल सियासत के अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी गुफ्तगू। अच्छा ये मेरी, मुझे एक बात बताएं। जी जी, ये शहबाज शरीफ को इन्होंने अंदर किया, जी हमजा शहबाज को अंदर किया, किसी से पैसे लिए इन्होंने? नहीं, नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मरियम औरंगजेब साहिबा जो फरमा रही हैं, मीडिया से अभी गुफ्तगू कर रही थी और कह रही हैं कि ये रात के अंधेरे में रायविंड का घर गिराना चाहते थे, हो सकता है रात के अंधेरे में सारा कुछ ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है ये कर रहे हैं। नहीं तो दिन में क्या इनके पास पावर नहीं है? हो सकता है वो आवाम आ जाती है। नहीं नहीं, वो एक मुझे लतीफ़ा याद आ गया है, वो एक बंदा था उसने ना एक्सीडेंट किया। अच्छा। वो कुछ 40-50 बंदे मार दिए, जज साहब के पास पेश हो जाए, जज साहब ने कहा जी भाई आपने बंदे क्यों मारे हैं? अच्छा। आपने बंदे क्यों मारे हैं? कहता जी मैं अपनी सफाई में कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा। जज साहब कहते हैं जी बताओ। कहते जी मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की ब्रेक हो गई फेल, आगे दो बंदे जा रहे थे और
उनको बचाते बचाते मैं दूसरे से बरात उस तरफ जा रही थी, बरात एक तरफ से दो बंदे, दूसरी तरफ थी बरात, मेरे पास ऑप्शन ये थी कि मैं दो बंदों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता, ठीक है। जज साहब कहते हैं जी दो बंदों पर चढ़ा देते, 50 क्यों मारे हैं? कहता मैं उन्होंने चाड़ी सी, वह नस के बरात जा बड़े सन। दो भाइयों को मारने के लिए उन्होंने पूरा पाकिस्तान खुटे लाइन लगा दिया है। दो भाइयों को मारने के लिए पूरे पाकिस्तान की तबाही मचा दिया उन्होंने। मैं वही मार रहा सी, वो भाज के बरात आ गए। सर क्या कहते हैं, मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि रात के अंधेरे में ये रायविंद का घर गिराना चाहते थे, रात के अंधेरे में इन्होंने कागजात बदल दिए, कुछ कर दिया, ऐसा कर दिया, क्या मसला है? दिन में कुछ नहीं कर सकती हुकूमत? उनका शायद ये भी ख्याल है कि कोरोना शरोना की वजह से शायद हम लोग रात के टाइम निकलते हैं, खान साहब रात के टाइम शायद गश्त पे निकलते हैं, रात को नज़र शायद सही आता है। उनको कोई जाके बताए खान साहब चमगादड़ नहीं है, दिन में सही नजर आता है उनको, किसी ने पकड़ना गिराना दिन में कर सकते हैं। रात के अंधेरे में कैसे घर गिर जाएगा? मतलब कुछ इन्होंने गिराया नहीं, वो क्या नाम है उनका जो हाँ जी ठोकर जो है वो ठोकर पे जाते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब को क्या पैगाम देंगे? मैं कहूँगा जी माशाल्लाह वेल डन, आप बड़ी अच्छी तर्जमानी कर रही हैं मुस्लिम लीग नून की, ठीक है, आप इस तरह जो है ना अपना काम को जारी रखें, अच्छी नुमाइंदगी कर रही हैं आप, वेरी गुड। ऐसे लीडरान की, ऐसी जो सियासतदान हैं उनकी हमें जरूरत है, खासकर पूरे पाकिस्तान को। कुछ नहीं पता, जो कहते हैं वो बेटर है। अच्छा कहने और करने में बहुत फर्क है, कहने को तो और भी पार्टी बहुत बहुत कुछ कहती हैं, तो मरियम औरंगजेब ने कह दिया उनके कहने पे, जाहिर सी बात है पार्टी चला रही है वो, तो उन्होंने किसी ना किसी तरह तो अपनी पार्टी को इंगेज रखना है, किसी ना किसी तरह तो बातों में लगाना है, सही बात है। तो जिसने करना है वो पावर में है, पार्टी पावर में है, जिन्होंने करना है उन्होंने रात के अंधेरे में, उन्होंने दिन में भी कर देना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओ मरियम औरंगजेब से याद है वो डड्डू चार्जर की तरह मेरा। नहीं एक पैगाम मरियम औरंगजेब को आपका? वो कुछ नहीं, कोई पैगाम नहीं है। लो जी कोई पैगाम नहीं है, बहरहाल जो कुछ भी है आपका बयान आया और लोगों ने जो भी ख्यालात दिए हैं, बहरहाल ये सब कुछ आपको हंसाने के लिए होता है, मुस्कुराने के लिए होता है, आपके चेहरों पर हंसी लाने के लिए होता है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्करे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सरफराज भी की आपके साथ है, क्योंकि सरफराज भी की आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़।